मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्या हालात हैं, यह बात किसी से छुपी नहीं है। तो वहीं आए दिन शिक्षकों द्वारा बच्चों के साथ मारपीट करने की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। जी हां, एक ऐसी ही तस्वीर एमपी के बड़ा मलहरा से सामने आई है, जहां कक्षा सातवीं के छात्र की शिक्षक ने जमकर पिटाई कर दी, जिससे छात्र बेहोश हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। अब आपके शहर सागर में सागर चाबी सेंटर एवं मीटर रिपेयर, समस्त कार एवं मोटरसाइकिल की डुप्लीकेट चाबियां बनाई जाती हैं, साथ ही लॉक रिपेयर व मीटर रिपेयर किए जाते हैं। पता गंधर्व होटल अप्सरा टॉकीज के सामने, भगवानगंज सागर। दरअसल बड़ा मलहरा विकास खंड के शासकीय माध्यमिक शाला महाराजगंज में कक्षा सातवीं के छात्र की शिक्षक ने पिटाई कर दी, जिससे छात्र को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। जानकारी कहती है कि शासकीय माध्यमिक शाला महाराजगंज में कक्षा सातवीं का छात्र शैलेंद्र साहू दोपहर 1 बजे कक्षा में अपने सहपाठी की किताब पढ़ रहा था कि उस समय कक्षा में माध्यमिक शिक्षक नितेश जादौन गणित विषय पढ़ा रहे थे। तभी उनकी नजर छात्र शैलेंद्र पर पड़ी और उन्होंने बगैर कुछ कहे छात्र के सिर में ताबड़तोड़ थप्पड़ जड़ दिए, जिससे छात्र कक्षा में चकरा कर गिर गया, जिसे उसके पिता इलाज के लिए बड़ा मलहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां छात्र को भर्ती कर अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर रवि पॉलीवाल की देखरेख में उपचार चल रहा है। इस दौरान स्कूल स्टाफ छात्र एवं उसके पिता से इलाज कराने का खर्चा बहन कर मामले को रफा दफा करने की कोशिश में लग गए हैं। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने तहरीर थाना प्रभारी को भेजने पत्र लिख दिया है। एक मरीज अभी सीएससी बड़ा महाराज में आया है, जिसका नाम सैलिन साहू है, उसकी उम्र 12 साल है, कन्हैयालाल साहब से पिताजी का नाम है। तो अभी अभी वो आया है, जो उसकी दिक्कत ये हो रही है कि उसने चोट लगी हुई है, जिसके कारण वो चढ़ने में असमर्थ है। अभी सीएससी बड़ा महाराज में उसको उपचार दिया जा रहा है और आगे की स्थिति समय के हिसाब से देखते हैं और फिर उसके हिसाब से आगे को उपचार किया। अस्पताल तहरीर पुलिस को भेजी गई क्या? फिलहाल इस संबंध में बीआरसीसी प्रमोद राजपूत ने मामले को संज्ञान में लेते हुए फोन पर शिक्षक के विरुद्ध जांच उपरांत कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। बड़ा मलहरा से मुकेश यादव, सागर एक्सप्रेस न्यूज। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे सोने चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।